दी का मतलब खाली रोड बिछाने रहता है, बिछाना नहीं रहता है, वो क्वालिटी वर्क भी देना रहता है हर साल। अगर हर 6-4 महीने के वास्ते अगर रोड बनाने का रहा तो उसे अभिवृद्धि नहीं कहते हैं, उसे लोगों का पैसा उड़ाना कहते हैं। है उसका एक स्टैंडर्ड रहता है, अगर स्टैंडर्ड छोड़ के अगर आप काम करेंगे तो यही कंडीशन होगी। और कहिए नगर शासक को, आइए बहुमान लेके जाइए, कहिए उनसे। कंप्लीट होने के बावजूद भी इसे पैसा लगे तो इसके ऊपर पहले एक डिले वर्क के हिसाब में ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी बैठना, दूसरा क्या है सही काम से नहीं हुए। पहले ललित महल होटल तक है, वहाँ इनकम्प्लीट करें, वहाँ जब पानी बरसात से आएगा तो उसे एग्जिट नहीं है पानी का। दूसरी बात है ये रोड का देखो क्या मालूम होता है, ये पहुँच ऐसा निकालो पूरी धूल निकल रही है, यानी मट्टी में नहीं। नगर शासक काम के अभिवृद्धि के लायक बोलेंगे कि जब 40% मिलता है और खुद के सिद्ध श्री बैंक का पैसा लगाया हुआ पूरे कामों में, वहीं से लगा हुआ पैसा, तो फिर उन लोग अच्छा ही बताने वाले। ये मैंने खुद पूरी बीजेपी गवर्नमेंट बता रही कि भाई 40% की गवर्नमेंट है, तो उसी उसका सबूत है ये। आप ललित महल से हमारे सुलेमान मस्जिद तक जानबूझ को कुछ मतलब आवारा लड़के रहते हैं तो उन्हें फोड़ते हैं, क्यों कर बोले गए में रात में बस स्टैंड से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने के वास्ते कुछ लोग जाते रहते हैं तो उनको मार को उनके पास से पैसे काट लेते हैं। और ऐसे हैं कितने ही घटनाएं हुए शिशिर और माड़ीदार है, इधर बड़े सीमेंट इलाल बड़े खड़ी मत तो एम शैंड रस्ते हाकेशन माड़ीदार सीमेंट यूज आगे और लैंड आर्मीदार माड़ीदार दो शिशिर रोड ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿದವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಶಿಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೇಶಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇತಿ ಹುಡುಗ ಏನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋರು ಏನೈತಿ ಆ ಹುಡುಗ ಎಬು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಪೂರ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಐತಿ. ಇದು ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೇಶಿಂದ ಏನೈತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಅವರು ನಾಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವರಾಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರಾಗಲಿ ನಾವು ಸತಾ ಬಂದ್ಕೇಶಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. नमस्ते, आज डीसी ऑफिस के जो एडजेसेंट रोड है जो ललित महल को मिलती है, पांच पांडों से ललित महल तक जो रोड मिलती है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क 1 महीने पहले हुआ है. इस रोड का जो सीसी रोड है जो कॉरपोरेशन से इलेक्शन से पहले बनी हुई गई हुई रोड थी और इलेक्शन से पहले सैंक्शन की गई हुई रोड थी. बहुत सारे कंप्लेंट थे हम लोगों को कि ये सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ है, मटेरियल यूज़ किया नहीं है, रोड उखड़ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं. एक बच्चा गिर कर ओपन ड्रेनेज रखे थे इन लोगों ने तो उसमें गिर कर एक बच्चे को ये भी क्या बोलते हैं उसको एक्सीडेंट होके बहुत सारा लगा भी है, उसको हाथ फ्रैक्चर हुआ है, पैर को लगा है. और जब हम लोग यहाँ स्पॉट विजिट पर आए हैं, मैं हैं, हमीद भाई हैं, हमीद इनामदार साहब हमारे जो इस कोशिश के लिए कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो पैर से अगर खिकरेंगे तो भी मट्टी के जैसे रेत खड़ी ये सभी आ रही है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सब स्टैंडर्ड वर्क जो पब्लिक का पैसा है वो ऐसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं. काम करना है तो अच्छी तरह से करो, मत वरना काम ही मत करो. क्योंकि आज ये रोड की जो लागत यहाँ से वहाँ तक अगर देख रहे, अगर ललित महल से लेकर अगर पांच पांडव तक अगर है तो इसका वर्क का एस्टिमेशन कम से कम 15 लाख से 22 लाख रुपए तक का वर्क एस्टिमेशन है. ये हमारे हिसाब से ये 15 से 22 लाख रुपये कोई मजाक नहीं है, पब्लिक का पैसा है. और ये सब स्टैंडर्ड आप कोई भी आके यहाँ पे क्वालिटी चेक करके अगर करना चाहते हैं इस रोड का आके कर सकते हैं. तो जो भी इसके पीछे हैं पहले तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए. और दूसरी बात इसके कंसर्न EJ और कॉरपोरेशन के जितने भी लोग हैं उनको पर कार्रवाई होना ज़रूरी है. ये मैं
डीसी साहब को और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को अपील करता हूँ, ये सेम सिचुएशन अगर दूसरे रोड्स में भी हो तो आप उस जगह का मुआयना कीजिए, उस टेंडर के में क्या लिखा है वो नहीं देख के। मैं लोगों से अपील करता हूँ, जहाँ कहीं भी आपके पास रोड बन रहे हैं आपके गली में, मोहल्लों में, आपके सिटी में, वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा उस कॉन्ट्रैक्टर को एस्टिमेट की कॉपी, टेंडर की कॉपी पूछिए, एस्टिमेट क्या हुआ है, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ये कॉपी पहले पूछिए, फिर ही काम करने का अलाउ कर दीजिए, वरना काम अलाउ करने मत दीजिए। ये आपका मेहनत का पैसा है, लोगों का पैसा है, पहले ये 7-8 साल से इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है और इसी तरह चलता रहेगा तो ये बहुत हो तो 4-6 महीने की रोड है, उसके बाद और वही 1 साल 2 साल 5 साल और ये रोड नहीं बनेगी। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, जिस गली में जिस एरिया में भी अगर रोड बन रहा है या कोई भी पब्लिक वर्क हो रहा है कॉरपोरेशन से, पीडब्ल्यूडी से, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर की कॉपी और एस्टिमेशन क्या क्या हुआ है और उस टेंडर में क्या क्या लिखा है वो सब देख के ही काम चालू करवाइए, अथवा काम मत चालू करवाइए। वृद्धि का मतलब खाली रोड बिछाने रहता है, बिछाना नहीं रहता है, वो क्वालिटी वर्क भी देना रहता है। हर साल अगर हर 6-4 महीने के वास्ते अगर रोड बनाने का रहा तो उसे अभिवृद्धि नहीं कहते हैं, उसे लोगों का पैसा उड़ाना कहते हैं। बहुमान आके ले लीजिए, यहाँ पे बहुमान आके ले लीजिए, कितना बहुमान मिलेगा आपको, हर तरह पे बहुमान मिलेगा। एक स्टैंडर्डाइज रहता है, एक रोड बनाने का, एक हम्प बनाने का या जो भी टेक्निकल वर्क रहता है उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। अगर स्टैंडर्ड छोड़ के अगर आप काम करेंगे तो यही कंडीशन होगी। और कहिए नगर शासक को, आइए बहुमान लेके जाइए, कहिए उनसे। एटलीस्ट सीसी रोड का मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, 3 से 5 ईयर्स तक उसका एक पीरियड रहता है, और इस 5 ईयर्स के पीरियड में अगर वो सीसी रोड ख़राब होती है, उसका मेंटेनेंस का जो भी लगता है, तो बैड वजह से कॉन्ट्रैक्टर को आप पनिश कर सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर उस रोड, ये 5 साल के पीरियड में वो रोड को रिपेयरिंग करके देना भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर एक बार रोड बना के जाने के बाद ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो 5 साल तक उस रोड को मेंटेन करना ज़रूरी रहता है, उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी रहता है। अगर फिगर साल में कुछ आगे पीछे रहा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी पीरियड रहता है उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को उस रोड की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ये हालांकि एक महीना 2 महीने पहले रोड बनी है, इलेक्शन से पहले सैंक्शन हुई थी ये रोड, और आज देखिए इसके बहुत सारे, हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा किया था, तो बहुत सारे लोग हम लोगों को कमेंट्स या फ़ोन करके बता रहे हैं कि आप पर्सनली जाके उस रोड का हालत देखिए कि कैसी हालत है, पैर से जस्ट पैर खिकरने से भी अगर रेती बालू और खड़ी आ रही है तो इसका वर्क कितना सब स्टैंडर्ड है आपको पता चलता है। अभी तो आज तो कल तो हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया है, देखते हैं आज आपके मीडिया के थ्रू कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डीसी साहब को और रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगाम, उसके लिए हम लोग इस सब स्टैंडर्ड वर्क के लिए हम लोग लिखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ सिटीजन फोरम से। थैंक यू। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम जरूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9992955 और 8050828793। दिल हमीद इनामदार, सोशल एक्टिविस्ट। एक काम शुरू होता है डीसी के घर से, डीसी के घर से ललित महल के होटल तक का ये टेंडर में ये करे सर। मैं अभी हमारे यस न्यूज़ और यू टीवी न्यूज़ वाले क्या है ये रोड को ये कर रहे थे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लाने के लिए घर गया था, नहीं मिले, इसलिए ये काम तकरीबन 2 साल से काम शुरू है, इनकम्प्लीट है। और इसमें क्या है मालूम है, पूरा इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी इसे पैसा लगे तो इसके ऊपर पहले एक डिले वर्क के हिसाब में ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी बैठना, दूसरा क्या है सही काम से नहीं हुए। अभी देखो ये साइड में जो काम है रोड के, वहाँ फुटपाथ बनाना है, ये कहाँ से काम है, डीसी के घर से, हमारे तालुका पंचायत के सामने काम नहीं हुआ उधर आगे, यानी किधर काम है किधर नहीं हुआ, यानी इनकम्प्लीट काम को इसके पैसे लिए सर। क्यों करके बोले तो इसकी बिल भी विश है, तो क्यों करके बोलेगा तो
इसी फंड सिद्धश्री बैंक से इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो फंड वहाँ से जाने की वजह से तकरीबन ये काम 2 साल से चालू है और सुलेमान मस्जिद के पास इनकम्प्लीट है, यानी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। यानी कैसा है, तो डीसी के ऑफिस घर से ये पूरा ये होते हुए ललित महल तक का ये टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का ये है और इसकी पूरी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका फुटपाथ इनकम्प्लीट है, डिले वर्क के हिसाब से क्वालिटी ये नहीं है इसकी। इन सब बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे महानगर पालिका आयुक्त हो और कमीशन तुम्हारे इंजीनियर्स हो, इसके खिलाफ कंप्लेंट लेना। अगर ये माध्यम के थ्रू हमारे डीसी साहब को इसके थ्रू मुहैया होने के बाद में स्पॉट पर नहीं, तो फिर मैं 2 दिन के अंदर क्या है इसे लोकायुक्त को केस फाइल करना। ये इनकम्प्लीट होने की वजह से हमें रुके थे, अब पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके कंप्लीशन के बाद में यह हालत है, तो अब डायरेक्ट हमें क्या है लोकायुक्त में केस फाइल कर। अभी ये रोड पर क्या हुआ है? रोड पर क्या हुआ अगर बोलेगा तो क्या मालूम क्या, सबसे पहले ललित महल होटल तक है वहाँ इनकम्प्लीट करें, वहाँ जब पानी बरसात से आएगा तो उसे एग्जिट नहीं है पानी का। दूसरी बात है ये रोड का देखो क्या मालूम क्या, ये कौन सा ऐसा निकालो पूरी धूल निकल रही है, यानी मट्टी में नहीं ये तुम्हारी क्या बोलते हैं राख में बनाया हुआ काम है, फ्लाई ऐश बोलते हैं, फ्लाई ऐश मिला को काम करे से। नगर शासक काम के अभिवृद्धि के लायक बोलेंगे कि जब 40% मिलता है और ख़ुद के सिद्धश्री बैंक का पैसा लगाया हुआ पूरे कामों में वहीं से लगा हुआ पैसा है, तो फिर उन लोग अच्छा ही बताने वाले। ये लोग आपके ज़रिए अब जब मालूम होता है तो उनको अगर यह है तो अगर हमें झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने बोलो। और उन्होंने बोलते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को डरा को पैसे मांगते हैं, बोल को खुद कॉन्ट्रैक्टर्स उनके हैं तो कैसा उनको इसी। और मैंने खुद पूरी बीजेपी गवर्नमेंट बता रही कि भाई 40% की गवर्नमेंट है, तो उसी उसका सबूत है ये आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने पूरे अवाम को पहुँचा रहे हैं। तो अभी हमारे साथी मुन्ना बख्शी साहब बताए कि एक ये बताए कि जहाँ जहाँ भी रोड का काम चल रहा है पूरा रात में काम कर रहे हैं, चोरी का काम चले ये क्या मांगे थुक पॉलिश वाला काम है। अब हमें तो सब जगह नहीं पहुंच सकते, अब वो महल्ले और वो वार्ड के रहने वाले उसके जिम्मेदार हैं। 1,00,000 रुपए करके बोलो करने क्या है आओ यहाँ, अगर वाकई उन्होंने उसके मतलब जो घोषणा कर रहे हैं तो आको हमारे साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ में आको यहाँ ये करो। उसके बाद में अगर ये मैं झूठा निकलूँगा तो आज के बाद में मैं कोई भी सोशल एक्टिविटीज छोड़ दूँगा। तो ऐसे शासक होने की वजह से मुझे क्या मालूम क्या, मैं भी दूसरे मुर्दाओं के साथ में मुर्दा नहीं रहना, अपनी आवाज़ उठाना, तो वो हिसाब से मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। इससे मुझे क्या, मेरे कोई शासक के से कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारा पैसा है, इन्हों अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और यहाँ पर लाइट पर है और दूसरी ये आज से नहीं, मैं तकरीबन मेरे पास घर में इसके वास्ते करस्पोंडेंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को बताए से है। ये लाइट क्या है मालूम है क्या, ललित महल से हमारे सुलेमान मस्जिद तक जानबूझ को कुछ मतलब आवारा लड़के रहते हैं तो उन्होंने फोड़ते हैं। क्यों कर बोले के बंद में रात में बस स्टैंड से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने के वास्ते कुछ लोग जाते रहते हैं तो उनको मार को उनके पास से पैसे काट लेते हैं। और ऐसे यहाँ कितने ही घटनाएं हुई हैं, उसमें एक मेरे मामा मोहम्मद शफीक इनामदार जो डीसी ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनका भी यहाँ पे मर्डर हुआ है यही सुलेमान मस्जिद के पास। तो इतना बोलने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको मालूम होना चाहिए, उन्होंने चाहते हैं कि ऐसे जुर्म होना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, अब उनके खुद पुलिस स्टेशन में नहीं है तो कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं वो मालूम कैसा होना उनको, बैठाना चाहिए। तो अब आपके न्यूज़ के थ्रू जब उनको उनके तक पहुंचती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना, डीसी एफ साहब उनके पीछे से ये है ये एरिया उनके एग्जैक्ट पीछे ये उनका चैम्बर है सामने का, तो यहाँ से सीसीटीवी कैमरे बताओ लोगों की सुरक्षा के वास्ते कुछ तो ख्याल करो, क्योंकि तो ये सेंसिटिव एरिया है। अगर मारने के बाद में इधर कोर्ट दीवार अंदर भागे आदमी समझो तो झाड़ी में कोई भी किसी नहीं पता चल सकता। डीसी ऑफिस हिंदगढ़ सीसी रोड आगे अदरग तुम भाला भ्रष्टाचार आगे याकंतंद्रे मुनिसिपालिटी इलेक्शन इन 15 दिवस इगे इवर सीसी रोड इदरोळगे बरी सिमेंट इल्ल बरी खडी मत्तु इदु एम सैंड अष्टे हाकेशन माडिदार सिमेंट यूज आगिल्ल अदर बग्गे इदु तुंबा ओंदु तिंगळिंद नावु हिंदे हेळ्ता इदीनि मुनिसिपालिटी अवरु नमगे संबंध बिळंगिल्ल अंत हेळ्तारे यार संबंध बिद्दोरु सर संबंध बिद्दोरु नंबर कोड्रि अंद्रे नंबर कोडंगिल्ल
ಕಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸಿನಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಮಿದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶಶಿ ರೋಡು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಮಿದವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೇಸಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮುಚ್ಚಣಿಕೆ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ ಬರೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗಣ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇತಿ ಹುಡುಗ ಏನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋರು ಏನೈತಿ ಆ ಹುಡುಗ ಎಬು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಮಿನ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಪೂರ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತೇನಿದೆ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೈತಿ ಇದು ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಏನೈತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಇದು ರಸ್ತೆ ಏನೈತಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಬರೀ ಇವರು ಸಿಮೆಂಟನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅವರು ನಾಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವರಾಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಮಿಯವರಾಗಲಿ ನಾವು ಸತಾ ಬಂದು ಕೇಸಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಇರುದನ್ನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ 6-7 ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ. ಬರೀ 2 ತಿಂಗಳದ 15 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ? ಅದೇ ಇಂಥವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಜಿಲಾಲ್ ದಳವಾಯಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.